भारत और इंग्लैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला इंग्लैंड ने 100 रनों से जीत लिया है। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड की टीम तीन मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी पर आ गई है। अब तीसरा मैच ही निर्णायक साबित होगा। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 246 रन बनाए थे। भारत के लिए यह लक्ष्य बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन ऋषि टॉपली के सामने भारतीय बल्लेबाज बेबस नजर आए। टॉपली ने 6 विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी और इंग्लैंड को सीरीज में बराबरी पर ला दिया। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं। लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड पिछले 15 सालों से भारत से कोई वनडे मैच नहीं हारा है और उसके अजय रहने का रिकॉर्ड बरकरार है। 247 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। शुरुआती 2 ओवरों में कोई रन नहीं बनना। तीसरे ओवर में कप्तान रोहित शर्मा बिना खाता खोले पवेलियन वापस लौट आए। शुरुआती 4 ओवर में भारतीय खिलाड़ी बल्ले से कोई रन नहीं बना पाए। 27 रन के स्कोर पर दूसरा विकेट गिरा और 31 के स्कोर पे चौथा विकेट गिर चुका था। रोहित और पंत को अपना खाता भी नहीं खोल पाए। वहीं शिखर ने 9 और विराट ने 16 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने 5वें विकेट के लिए 42 रन की साझेदारी कर उम्मीदें जगाई, लेकिन सूर्य कुमार यादव 27 रन बनाकर आउट हो गए। उनके जाने के बाद भारत की जीत मुश्किल लग रही थी। हालांकि हार्दिक और जडेजा ने 28 रनों की साझेदारी कर उम्मीद बनाए रखी। 29 रन बनाने के बाद हार्दिक मोइन अली का शिकार बने और यहीं से भारत की हार तय हो गई थी। जडेजा भी 29 और समित 23 रन बनाकर आउट हुए। अंत में भारतीय टीम 146 पर सिमट गई और 100 रन से मुकाबला हार गई।